हेलो दोस्तों, ग्रिड एंड टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विड के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, जो आपको बिल्कुल भी क्विड में अच्छे नहीं लगेंगे, हर किसी को ही। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है जो कि क्विड की है, बिल्ड क्वालिटी। क्विड की बिल्ड क्वालिटी को अगर हम 800 cc सेगमेंट के तौर पर देखें तो बिल्कुल ठीक है, और बेस मॉडल के तौर पर देखें तो बिल्कुल ठीक है। बट अगर हम इसमें टॉप मॉडल परचेज करते हैं तो हमें नियर अबाउट 5 लाख के जो पे करना पड़ता है, और 5 लाख के प्राइस में ये बिल्ड क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी वीक है अगर हम उस मुकाबले में देखें 5 लाख में ये बिल्ड क्वालिटी। और दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इंजन और प्लास्टिक का यूज़, इंजन में जो यूज़ किया गया, काफ़ी जगह मेटल की जगह प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और इसका जो चैम्बर है वो भी प्लास्टिक है। तो क्या वो बात अलग है कि कंपनी में अलग से जो गार्ड मिल जाता है उसका चैम्बर का, जो प्लास्टिक चैम्बर को प्रोटेक्ट करता है। बट देखा जाए तो ओवरऑल जो प्लास्टिक का चैम्बर है वो भी इसका नेगेटिव पॉइंट ही है, वो कभी भी टूट सकता है अगर ऑफ रोड पर ड्राइव किया जाए। एक दो ऐसे केस हुए भी हैं कि चैम्बर टूट गया है, बट अगर गार्ड लगा है तो उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और दोस्तों थर्ड पॉइंट जो है वो है इंजन की नॉइस। स्टार्टिंग में गाड़ी के इंजन की नॉइस काफ़ी ज़्यादा है, और कैबिन की नॉइस भी काफ़ी है, और ये 1 लीटर में कुछ कम है नॉइस कैबिन की, और 800 cc में कैबिन नॉइस काफ़ी ज़्यादा है। और ये चलते टाइम थोड़ी नॉइस इंजन की कम हो जाती है, बट कैबिन नॉइस वैसा ही रहती है। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट जो है वो है क्विड की साइड क्लैडिंग में किए गए ये लॉक को यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है बम्पर में। और दोस्तों ये जो क्विड में बम्पर के, यहाँ पर ये देखिए, बम्पर और साइड क्लैडिंग के लॉक यूज़ किए गए हैं, वो काफ़ी वीक क्वालिटी के हैं। मेरी गाड़ी यहाँ पर देखिए एक बार टच हुई थी और इसका बम्पर खोला गया था, और 2 बार मैं चेक करवा चुका हूँ, ये प्रॉपरली यहाँ पर फिट नहीं हुआ। काफ़ी डिफरेंस है, यहाँ से ऊँचा है और यहाँ पर नीचे है थोड़ा। और यहाँ देखिए ये साइड क्लाइडिंग को भी खोला गया, ये प्रॉपर यहाँ तक फिट नहीं हो पा रही। और इस यहाँ पर जो प्लास्टिक का यूज़ है वो भी मटेरियल कोई खास यूज़ नहीं किया गया है। और जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेगेटिव पॉइंट है उसकी, वो वैसे तो कोई उसे कह नहीं सकते कि नेगेटिव पॉइंट है। वैसे अगर वो ये जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है व्हील के 3 नट, यहाँ पर वैसे तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं है गाड़ी का, 3 नट हो चाहे 4, बट हमें जब अलॉय परचेज करने पड़ते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 4 नट वाले जो अलॉयज हैं वो काफ़ी इजीली और सस्ते चीप प्राइस में मिल जाते हैं। बट अगर हम 3 नट वाले अलॉय पता करने जाएं, अभी मैं 1 मंथ से अलॉय व्हील ट्राई कर रहा हूँ, मेरी सिटी में सिर्फ एक ही पीस मिल रहा है, एक ही डिज़ाइन मिल रहा है, और कोई अलॉय मिल ही नहीं रहा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें अलॉय खरीदने में काफ़ी दिक्कत आती है 3 नट वाला अलॉय, क्योंकि ये सिर्फ क्विड में ही यूज़ होता है और किसी गाड़ी में नहीं, और स्पेशली क्विड के लिए इसे ऑर्डर पर मंगवाना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें दिक्कत आती है। और ये 4 नट के मुकाबले 3 नट वाला ऑर्डर पर मंगवाना पड़ता है, और सेकेंड बात जो 4 के मुकाबले ये थोड़ा कॉस्टली भी मिलता है हमें, और तो यहाँ पर हमें फिर दिक्कत आती है। और प्लास्टिक के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर चीप क्वालिटी की प्लास्टिक यूज़ करी गई है, जो आप देख ही सकते हैं। ये मेरा जो यहाँ पर जिसे टूट भी चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूट चुका है, और काफ़ी बुरी जो है प्लास्टिक का यूज़ किया गया है यहाँ पर। और ये साइड क्लैडिंग है, और इस बैक बम्पर जो ब्लैक है ये मैट ब्लैक है दोस्तों। अगर ये शाइनिंग ब्लैक होता तो और अच्छा होता, क्योंकि इसे क्लीन करना बहुत ईजी होता। और मैट ब्लैक ये जो है हमारा साइड क्लैडिंग और बम्पर, इसे क्लीन करने के लिए हमें पॉलिश की ज़रूरत पड़ती है। ये बिना पॉलिश के ओनली वाटर या शैम्पू से क्लीन होता ही नहीं, और शाइनिंग नहीं आती, बिना पॉलिश के ये बिल्कुल भी शाइन नहीं करता। अगर ये शाइनी ब्लैक होता तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और इसे क्लीन करने के लिए बॉडी ओनली शैम्पू पानी से क्लीन करने से ही शाइनिंग आ जाती है, और इसे अगर हम क्लीन करें तो ये बिना पॉलिश के शाइनिंग ही नहीं देता। तो दोस्तों यही थे क्विड के जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। और एक और नेगेटिव पॉइंट्स है दोस्तों, जो सब क्विड में देखा गया है, मेरे पास से भी कोई क्विड गुजरती है तो मैं देखता हूँ, जब वो ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक की नॉइस आती है। और मेरे ग्रुप में भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिन्हें ये नॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, जब हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो कुछ आवाज़ आती है, ची कैसे आवाज़ आती है। तो वो भी दोस्तों काफ़ी दोस्तों ने चेक करवा लिया, बट वो रिड्यूस नहीं हो रही, जा नहीं रही। ब्रेक पैड सब कुछ चेंज करवा के देख लिया कई दोस्तों ने, तो वो भी ख़त्म नहीं हो पा रही। और ये थे दोस्तों क्विड के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने क्लियरली रखे हैं ऑनेस्टली, चाहे मैं खुद क्विड ओनर हूँ, पर जो मुझे बुरा लगा इस गाड़ी में मैंने आपके सामने क्लियरली रख दिया, और ताकि आप परचेज करने से पहले क्विड को ये नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जान लें।
दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ जानने के लिए मिला और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।